सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है VI ऐप अगर आप यूज करते हो तो उसमें जो है गाइस आप कैसे एक न्यू प्लेलिस्ट बना के अपनी सॉन्ग को ऐड कर सकते हो, उसमें जोड़ सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने VI ऐप पर। VI ऐप पर आने के बाद हमें चले जाना है अपने म्यूजिक पर। तो म्यूजिक का ऑप्शन आपको दिख रहा है ऊपर, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, जो भी सॉन्ग आप प्ले किए हो तो उस पर आपको क्लिक कर देना, और उसके बाद आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन लगभग हर एक जगह देखने को मिलेगा, हर एक गाने पर। तो आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिख रहा है न्यू प्लेलिस्ट, तो आपका प्लेलिस्ट नहीं बना रहता है कोई भी, तो इस तरह का ऑप्शन देता है। तो यहाँ पर लिख रहा है कुछ, आप नाम देख सकते हो अपने प्लेलिस्ट को। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर फेवरेट सॉन्ग कुछ ऐसे ही, और यहाँ पर क्रिएट पर मैंने क्लिक कर दिया। तो क्रिएट पर क्लिक करने के बाद गए जो है यहाँ पर मैंने ऐड किया, और यहाँ पर जो है फेवरेट सॉन्ग में मैंने ये ऐड कर दिया। तो यहाँ पर लिख रहा है ऐड हो गया। अब इसके बाद मैं दूसरा सॉन्ग कोई प्ले करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं दूसरा सॉन्ग प्ले करूँगा और आपको जो है दिखाऊँगा कि कैसे जो है आप अपने प्लेलिस्ट में, फॉर एग्जांपल के लिए ये सॉन्ग ले गए। अब यहाँ पर मैंने ऐड किया और यहाँ पर जो है फेवरेट सॉन्ग पे क्लिक किया, तो जो है गाइस ये आप सॉन्ग मेरा फेवरेट प्लेलिस्ट में ऐड हो गया है VI में।